Okay friends, so let's continue with the previous point. So previous point we have studied the active components, as well as we started with the study of passive components, and we have studied two passive components, that is a resistor and a capacitor, in which I told you resistors, what they will do, they will utilize the energy supplied by the active components and they will convert that energy into the form of heat energy. Whereas for the capacitor, what I told you, capacitor will store the given energy in the form of potential energy, and that energy can be utilized to charge any other device. Now we'll study the third component, which is called as the inductor. Inductor While we are dealing with inductor, this component only works in variable current. Now, what is the variable current? What is the steady current that we are going to study just right now? So, it only works in the variable current. It doesn't work for the DC current. DC means direct current, means doesn't work for constant current. So only works in the variable current. So inductor kya hota hai? Nothing, just you take a conductor, any piece of the material, and you may wind that conductor, just like you are winding. You are knowing the solenoid, na? One type of inductor it is. Solenoid, it is a type of inductor. This is the symbol for the inductor. You may give the symbol. This is the symbol, and its work is to oppose the alternate current, not for the variable current. Constant current. Alternate or the variable current, it may oppose. So this was one of the components. It is also a passive component. Okay. So up till now we have studied the passive and active components. There are still some many components that you are knowing, and we will use them much more in this topic. So I think it's better to explain them as a part of my teaching. Then it comes key or a switch. इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉम्पोनेंट. ये सर्किट का पूरा ऑपरेशन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉम्पोनेंट. तो ऑपरेटिंग कॉम्पोनेंट मतलब क्या? सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं. द की और स्विच इज यूज टू ऑन और ऑफ द गिवन सर्किट. सो विल गो फॉर दैट. नंबर वन, प्लग की. प्लग की कैसे सिंबल होते हैं? प्लग की का सिंबल ऐसे करते हैं, दिखाते हैं. प्लग की का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेट होता है, इसके बीचों बीच ये दो कनेक्शन रहता है इसको, यहाँ से और यहाँ में एक आपको की डालना पड़ता है. जब की आप डालते हो देन सर्किट इज ऑन. की निकालने के बाद वो बन जाता है ऑफ. आफ्टर टेकिंग द की इट बिकम्स ऑफ. दिस इज कॉल्ड एज अ प्लग की. सेकेंड होता है टैप की होता है, वो टैप करना पड़ता है. मतलब कैसा? ऐसा उसको बोलते हैं. किसी भी दो कंपोनेंट में इसको अगर जोड़ना है तो इधर ऐसा टैपिंग पॉइंट रहता है और इधर टैपिंग असेंबली रहता है, और यहां से इसको कनेक्ट किया जाता है. तो भी क्या होता है, इसको जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं ऐसा ऐसा, तो सर्किट ऑन होता है. छोड़ने के बाद वो अपना अपने आप ऊपर आ जाता है. सो दिस इज द वे. दिस ऑन, दिस ऑफ. दिस इज ऑन, दिस ऑफ. दिस ऑन, दिस इज ऑफ. दिस इज कॉल्ड एज टैप की.
बाद में होता है टू वे की। क्या होता है? टू वे की मतलब क्या, एक तो फिक्स होता है और यहां पे दो कंपोनेंट। मतलब क्या होता है, ऐसे दो उसको ये होते हैं, ये मिडल होता है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे तीन वायर होते हैं और दो की डालते हैं उसमें। अगर ये की मैंने डाला तो ये और ये ऑन हो गया, इसके बीच में कनेक्शन हो गया। मेनी टाइम्स वी नीड दिस की, वंस वी विल गो फॉर एक्सप्लेनिंग द मूविंग कैलकुलेटर, मेनी थिंग्स आर देयर इन दैट वी आर यूजिंग दिस टू वे की। तो अभी इसको, इस की को निकाला और इस की को डाला, तो ये और ये वायर में, इसमें कनेक्शन हुआ, तो सर्किट में यूज करते हैं इसको, सिंबल ऐसे दिखाते हैं। और एक होता है जो हम यूज करते हैं मेनी टाइम्स, इट इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिंग की। क्या बोलते हैं उसको? रिवर्सिंग की मतलब ये चार पॉइंट होते हैं, यूज अनदर पॉइंट, चार पॉइंट होते हैं। तो एट अ टाइम यू कैन मेक द कनेक्शन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स और दिस टू पॉइंट्स और दिस टू पॉइंट्स, और समटाइम्स इट इज लाइक दैट ऑल्सो। द की ऐसा दिखता है, दिखने में ऐसा होता है, ऐसा राउंड होता है, इसके बीच में ऐसे पॉइंट होते हैं और नीचे में ऐसा एक दो तीन चार पॉइंट होते हैं, और ये इसको कनेक्शन होता है। अगर मैं इसको ऐसा रिवर्स किया तो ये दो पॉइंट कनेक्शन में आ जाएंगे, नहीं तो ऐसा किया तो ये दो पॉइंट कनेक्शन में आ जाएंगे। सो मतलब इट्स लाइक अ डिस्क, इट इज देयर, इट इज ऑल्सो देयर इन अवर लैब। सो दीज आर ऑल द ऑपरेटिंग कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट वी स्टडीड द प्लग की, सेकेंड वी स्टडीड द टैप की, थर्ड वन वी स्टडीड द टू वे की, एंड फोर्थ वन वी स्टडीड द रिवर्सिंग की। इसका सिंबॉल ऐसे नहीं है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसको सिंबल लिखते समय ऐसा करते हैं, इसका प्रॉब्लम है कुछ लिखने का नहीं था। ओके सो एक तो ऐसा, मतलब क्या, एक तो ऐसा करेंगे नहीं तो इसके बीच में करेंगे। ओके सो यू कैन गो विद दैट, दिस सिंबल इज नेवर मैटर, इट्स वर्किंग इज मैटर्स लॉट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सिंबल थोड़ा सा अलग अलग निकालते हैं, हर एक बुक में आपको इसका सिंबल अलग अलग सा दिखेगा। मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली अपने मॉडर्न फिजिक्स में इसको यूज करते हैं पोटेंशियल रिवर्स करने के लिए, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में, तो वहाँ पे हम वो सीखेंगे, अभी तो इसका कुछ डायरेक्ट यूज नहीं। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद, ये अभी हमने, वी हैव स्टडीड रेजिस्टर, वी हैव स्टडीड द इंडक्टर, वी हैव स्टडीड द कैपेसिटर, वी हैव स्टडीड द की। अभी थोड़ा सा और कॉम्पोनेंट्स है, वो कंपोनेंट क्या है? मेजरिंग कंपोनेंट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अभी नाउ व्हाट एवर वी विल बी स्टडी, दोज आर कॉल्ड एज द मेजरिंग कंपोनेंट्स। दोज आर कॉल्ड एज मेजरिंग कंपोनेंट्स। मेजरिंग कंपोनेंट में आपको क्या क्या मेजर करना पड़ता है? एक तो आपको मेजर करना पड़ता है करंट, दूसरा आपको मेजर करना पड़ता है वोल्टेज। ये दो इंपॉर्टेंट थिंग है। तो करंट के लिए ऐसा सिंबल दिखा दे, उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर क्या करता है? सर्किट में करंट मेजर करता है, ऐसे भी दिखाते हैं उसको, सिंबल ऐसे दिखाते हैं। ये सीरीज में जोड़ा जाता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। किसी भी कंपोनेंट में अगर करंट आपको पकड़ना है उसका, तो उस कंपोनेंट के आगे या पीछे सीरीज में इसको जोड़ने का, इट विल गिव यू द आइडिया। करंट मेजर करने के लिए टू वे बोथ साइड्स का होता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनेटर। तो उसका सिंबल दिखाते हैं जी। गैल्वेनेटर भी दोनों भी साइड से करंट मेजर करता है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये अपने को 12th में है स्टडी के लिए, एमिटर गैल्वेनोमीटर। इसका सीरीज
वगैरह का कुछ नहीं है, इसी को यूज करके हम एमिटर और दूसरा है जो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं वोल्टमीटर, वो भी गैनोमीटर का यूज करके वी कैन कंस्ट्रक्ट एमिटर एज वेल एज वोल्टमीटर बाय यूजिंग गैनोमीटर. सो वी कैन कंस्ट्रक्ट एमिटर एज वेल एज वोल्टमीटर बाय यूजिंग गैनोमीटर. गैनोमीटर का यूज करके वी कैन कंस्ट्रक्ट एमिटर एज वेल एज वोल्टमीटर. इसको एक अभी अभी के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं. वी विल गो फॉर द वोल्टमीटर, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वोल्टेज. वोल्टमीटर का भी सिंबल वैसे ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इसको वी बोलते हैं, प्लस माइनस, इसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ये तो सर्किट में ऑलवेज पैरेलल दिखाते हैं. वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वेयर एज एमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. दिस आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हमने स्टडी कर दिया ऑल कॉम्पोनेंट्स वी हैव स्टडीड. पहले इसको रिवाइज करते हैं. एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में बैटरी था, एनर्जी सोर्स प्रोवाइडिंग एनर्जी, और पैसिव कुछ कंज्यूम्स है एनर्जी. पैसिव में क्या कहता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर भी आता है. और बाद में मेजरिंग कॉम्पोनेंट्स, मेजरिंग कॉम्पोनेंट्स में हमने देखा है करंट के मेजरमेंट के लिए. स्विचिंग डिवाइसेस, स्विचेस आई हैव एक्सप्लेन यू दिस ऑल. नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ सर्किट. सर्किट कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट. उसके बाद में आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट टू स्टडी एक्चुअल करंट, व्हाट इज मीन बाय द करंट. क्योंकि ये फिर से मैं नहीं सिखाने वाला, ये चीज़ें आपको मालूम होनी ही चाहिए. ये कोई आपको फिर से नहीं सिखाने वाला. सो वी विल स्टार्ट विद द करंट, नॉट करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट. तो मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे रेजिस्टर लिया है, दो रेजिस्टर लिया है, और इसको कनेक्ट किया है बैटरी से. ये हो गया मेरा स्विच. इसमें से एक रेजिस्टर मैं वेरिएबल करता हूँ, तो ये बन गया अपना फिक्स रेजिस्टर, ये वेरिएबल रेजिस्टर. अगर इफ वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस दिस, देन आई विल कनेक्ट वोल्टमीटर. इसको पॉजिटिव बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे, ऑल प्रीरिक्विजिट्स वी विल गो विद दैट. एंड हियर आई विल कनेक्ट एमिटर विच इज इन सीरीज. तो एमिटर क्या करेगा, सर्किट में कितना जा रहा है करंट, वो दैट विल बी मेजर्ड बाय एमिटर. दिस इज इल्यूमिनेटर और बैटरी, दिस इज की के और स्विच एस, दिस इज रेजिस्टेंस. सो करंट विल फ्लो, हाउ द फ्लो ऑफ करंट इज देयर, दैट वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स. दिस वे द करंट विल बी देयर थ्रू द सर्किट. वोल्ट मीटर वी विल मेजर द हाउ मच वोल्टेज इज देयर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस. हियर ऑल्सो वी कैन measure the voltage, whatever we were studying na, v1 plus v2 is v. ye sab pura measure karne ke hisab se isko hum connect kar sakte hain. circuit mein kitna current hai idhar aayega. abhi ye kya batayega, isme aur isme mila ke, kyunki they are in series, to series mein kya hota hai, current same jata hai. to jo current ja raha hai circuit mein ye hota hai. agar koi parallel mein hai to do device ko alag alag sa aapko ammeter जोड़ना पड़े. सो दिस वॉज अ कॉमन सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर यू पीपल टू गेट द आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट. आई हैव ड्रॉन दैट. ओके, सो नाउ वी विल एक्चुअली गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ करंट. नाउ फॉर द कंसेप्ट ऑफ करंट, करंट में पहले हम डेफिनेशन करते हैं उसको. तो मैंने तो तीन डेफिनेशन उसका निकाल के लिए. ओके, सो यू मे नोट डाउन दैट. ओके, उतने के लिए बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. करंट के लिए पहले तो हम बोल सकते हैं चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन वन सेकंड. व्हाट इज अ करंट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू
any cross section of a conductor in one second. ये सिंपल सा डेफिनेशन है. तो करंट क्या बताता है, किसी भी कंडक्टर को आप ले लो, उसमें से चार्ज, ऑफ कोर्स चार्ज मतलब यहां पे अभी हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ओनली, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वी आर नॉट कंसिडरिंग, वी आर ओनली कंसिडरिंग द नेगेटिव चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग. ओके, और उसके हिसाब से हम करंट को डिसाइड करते. सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन द बुक्स. ओके, सो वंस वी हैव टू एनालाइज द थिंग करंट वी विल यूज दिस डेफिनेशन. डेफिनेशन नंबर वन, चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन वन सेकंड. इसी को मरोड़ के थोड़ा सा हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम. देख लो फिर से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. तो सब चीज में हमने कंडक्टर में उसको बांटा है, उसको बिकॉज कंडक्टर विल बी द थिंग विच विल बी used here in this scenario. Conductor will be used to speak about the current. कौन सा भी एक material जिसमें से charges मतलब electron flow हो सकते हैं from one side to another side, उसको बोलते हैं conductor. और with the context of the conductor, the charge flowing through any cross section, मतलब ये cross section में से दिए हुए time में कितना इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज यहां से यहां. तो इसको अगर हमने क्रॉस सेक्शन लिया, इसका एक छोटा सा ये क्रॉस सेक्शन एरिया से, सो वी कैन डिफाइन द करंट इन सिंपल वे एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. So these are two definitions. Okay. Now, as per the definitions, how we can define mathematically, what is the mathematical expression for the current? So we'll go for finding the mathematical expression for the current. So we mathematics use karte hai thoda sa, or what is the current and how it can be defined mathematically, that we will study now. Wait for a while. So we'll go for mathematical expression for current. इसमें क्या आएगा आपका? Mathematically अगर आपको लिखना है सिंपली तो Q अपॉन टी, आपका जनरल, इसको बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन. ये जो हमने अपनी 10th तक पढ़ा था, लेकिन नाउ एज यू आर इन 12th क्लास, नाउ वी हैव टू स्टडी द मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी विल स्टडी सम डिफरेंट टाइप्स. इसमें होता है, एक होता है स्टेडी करंट, स्टेडी करंट थोड़ा सा इससे अलग होता है. स्टेडी करंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम कैसे भी हो, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज flowing per unit time is constant. इसलिए उसको independent of time बोलते हैं.
ये तो इसका कुछ अलग सा मीनिंग ऐसा नहीं है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉन्स्टेंट, अगर है तो उसको बोलते हैं स्टेडी करंट। मतलब पहले सेकंड को कितना चार्ज गया, एक्स वाई जेड कूलम चार्ज गया, बाद में एक्स वाई जेड ही गया, बाद में एक्स वाई जेड। तो दिए हुए टाइम में जो चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है कंडक्टर के, दैट चार्ज विल बी केप्ट कॉन्स्टेंट, उसको बोलते हैं स्टेडी करंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टेडी करंट मीन्स द चार्ज पर, सो रेट ऑफ चार्ज विल बी कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल बी कॉन्स्टेंट इन दिस टाइप ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेडी करंट। ये आपको बाद में आएगा इसलिए मैंने बोल के रखा आपको, दिस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट दिस विल कम, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू। अभी जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको शुरुआत में भी पढ़ाया था इलेवेंथ के, दैट वी विल स्टार्ट टू स्टडी। दे आर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये लिख के लो। नाउ विल गो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। सो फ्रेंड्स, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, वी विल स्टार्ट विद दैट। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड विद 11th क्लास, जस्ट आई टोल्ड यू ना, वी हैव स्टडीड दिस। एवरेज को कैसे लिखते हैं? आई एवरेज, ये एवी लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। आई एवरेज विल बी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट लिखना है आपको तो लिखते हैं डी क्यू बाय डी टी। आपको भी मैथ्स में डिफ्रेंसिएशन भी हुआ है, दैट्स वाई नॉट नेसेसरली आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, बट स्टिल देर आर बोथ स्टूडेंट्स, मीन्स इन 11th क्लास दे वर इन 11 A1, समवेयर इन A2, समवेयर इन C, सो ऑल आर नाउ इधर इन 11th, 12th, A2। सो फ्रॉम माई perspectives, again I am explaining one time. देखो बेटा, ये मैंने ग्राफ किया है, a graph of Q versus T. ग्राफ कैसे भी हो सकता है, let's suppose it is like that. तो अभी आपको मालूम है ग्राफ में instantaneous value, average value सब पता है आपको, slope निकालते हैं ग्राफ को। तो क्या किया मैंने, एक point लिया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, आई ड्रॉन द टेंजेंट, दिस इज थीटा, और आपको मालूम है टैन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, दैट इज क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये होता है स्लोप, इसको हम बोलते हैं मैथ्स में, इसको बोलते हैं स्लोप। ये हो गए। तो अभी इफ आई विल टेक दिस सेक्शन से सपोज दिस, तो ये सेक्शन के लिए इसको बोलता हूं मैं T1, इसको बोलता हूं T2, इसको बोलता हूं Q1, इसको बोलता हूं Q2। तो ये बन जाएगा मेरा डेल्टा Q और ये बन जाएगा मेरा डेल्टा T, एंड आई एवरेज विल बी जस्ट इक्वल टू स्लोप विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो आई एवरेज सिंपली कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। वहीं पे अगर इसको मैं छोटा कर दूं, सो इफ डेल्टा टी विल बी वेरी नियर टू जीरो, दैट इज डेल्टा टी नॉट इक्वल अप्रोक्सिम इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम डिफरेंस मैंने अगर इतना छोटा कर दिया, एकदम छोटा ट्रायंगल इसको कर दिया एकदम, तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो।
तो वहां पे मेरा डेल्टा क्यू भी एकदम छोटा वाला हो जाएगा। तो इसी के लिए ये जो निकालते हैं ये आता है लिमिट, इसको लिखते हैं, आपको अभी आएगा भी, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और उसको बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझिए बेटा, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये लिख के लो सर, हो गया। तो ये आपका एवरेज वैल्यू, ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस की प्रॉब्लम कैसे आते हैं इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले ये थोड़ा सा नोट डाउन करके। सो वी हैव स्टडीड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। तो एवरेज में आएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डायरेक्टली, दैट इज क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसमें से एवरेजिंग का कंसेप्ट यूज करते, अभी कितना है बाद में कितना है, अभी टाइम कितना है बाद में कितना है, तो टाइम डिफरेंस एंड चार्ज डिफरेंस डायरेक्टली इनका रेशियो लिया तो बन जाता है एवरेज करंट। लेकिन इंस्टेंटेनियस पता करने के लिए आपको, मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इफ चार्ज इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर गिवन बाय द रिलेशन क्यू इज इक्वल टू टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी प्लस फोर, वॉट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो ये चार्ज का एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे चार्ज फ्लो रहा है, चार्ज का फ्लो का इक्वेशन क्या दिया है, टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर, एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट व्हाट इज द करंट इन द कंडक्टर। अभी इसको हम यूज करते हैं, अभी हम करंट निकालेंगे डी क्यू बाय डी टी। क्यू कितना है, टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस फोर, देयरफॉर डी क्यू बाई डी टी कितना हो जाएगा इसका, डी बाई डी टी ऑफ दिस। टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, टू टू सा फोर, फोर टी, थ्री टी का थ्री इंटू वन दैट इज थ्री, सो फोर टी प्लस थ्री। सो आई कितना बन गया मेरा, आई बन गया फोर टी प्लस थ्री। इसमें टी इज इक्वल टू वन डाला अगर, इफ टी इज इक्वल टू वन देन वॉट विल बी माई वैल्यू ऑफ आई, फोर इंटू वन प्लस थ्री, फोर वन सा फोर प्लस थ्री, 7 एम्पियर। दिस इज द वे इन विच द प्रॉब्लम्स, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑन द इंस्टेंटेनियस करंट मे बी सॉल्व। सो दिस वन इज मोर बेसिक वन। आपको इससे, इसके अलावा यहाँ पे कौन सा भी इक्वेशन दे सकते हैं, साइन टी दे सकते हैं, कॉस टी दे सकते हैं, ई रेस टू टी दे सकते हैं, कौन सा भी दे सकते हैं, दे मे गिव यू डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू यूर, यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट एंड गेट द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज द थिंग। So today I will call a day. Tomorrow we will go for discussing more about the current. This the same instantaneous average. What is the time relation with the current? Current is a macroscopic entity. Then current whether scalar hai, vector hai, इसको भी पढ़ेंगे, और करंट का टाइम डिपेंडेंस कैसे चलता है ये भी देखेंगे। उसमें आएगा डीसी करंट, एसी करंट आएगा, और उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद द करंट डेंसिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द डेरिवेशन इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द मोबिलिटी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव टॉट, सो ग्रेट। टुडे व्हाट यू हैव टू डू, सी दिस लेक्चर ट्वाइस थ्राइस, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आज से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हल्के में मत लीजिए, एकदम सिंपल लगेगा आपको देखने के लिए, लेकिन एक बार एक एक चीज आपको मिलती जाएगी उसको डंप करना पड़ेगा ब्रेन में, देन इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स एंड टू रिकॉल। तो बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर को, दोनों भी लेक्चर को आप 2 3 4 बार देखो, अपना नोट बनाओ, एनसीईआरटी का रीडिंग करो। एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है
जो इतना मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी में, खाली एक 5-6 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन किया होगा, थोड़ा सा एक पेज में दिया होगा, लेकिन एनसीईआरटी के तो पढ़ो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी तक आपको कल पढ़ना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुडेज स्टडी। और आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह मिलता है उसको सॉल्व करके देखो, या ऐसे ही मैंने दिखा है, आफ्टरवर्ड्स आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। राइट नाउ वी विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन लर्निंग द थिंग्स। ओके, सो आई विल कॉल अ डे फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।